हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है ये है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्सेल। जो है लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि आपको कैसे बेसिक फॉर्मूलेज यूज करने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एवरेज फॉर्मूला वगैरह जितने भी हैं इसके, तो उनको थोड़ा सा और इसके अंदर का कुछ क्वेश्चंस रेडी किए गए हैं। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। एक्सेल के अंदर जितना अच्छा आपका बेस स्ट्रांग होगा ना, तो उतना ही बेटर आप एक्सेल को समझ पाएंगे। इसके लिए चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर। हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स, इस टेबल को देख के आपको एक प्रीवियस वीडियो का याद आ गया होगा। ये मैं टेबल पुरानी एक वीडियो में सिखा चुकी हूँ, जिसमें मोबाइल के थ्रू ये टेबल बनाने बताई थी, जिसमें था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्सेल। तो अभी हम इसके कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, तो उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, क्योंकि हमने जैसे सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, ये सब तो सीख ही लिया था उस वीडियो में। तो और इसकी जो फॉर्मूलेज है वो आपको इजीली उस वीडियो में मिल जाएंगी। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। अभी हम इसके क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज जनवरी, फरवरी, मार्च, जो भी हमारी हेडिंग है इसको, ये तो हमने टाइप किया है। अगर बहुत सारी ऐसी हेडिंग जैन फेब करके लिखनी है तो आप इसे ड्रैग करके भी यूज़ कर सकते हैं। ड्रैग का आपका वर्टिकुलर, हॉरिजॉन्टल दोनों में वर्क करता है। अभी हम अंडू कर देते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कवर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये है कि आपकी जो टेबल की स्टाइल है उसको मीडियम फाइव, ये जो स्टाइल होती है, जैसे कि लाइक ये पर्पल ऑलरेडी स्टाइल की हुई है, तो इसको किस तरीके से करते हैं, सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर फॉर्मेट द टेबल ऑलरेडी बनी हुई है। देखिए ये आप जिस पे भी जाते हैं, देखिए जैसे ये मीडियम है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देती हूँ आपको। ये लिखा है आपका, ये यहाँ पर ये मीडियम लिखा हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये आपका लाइट है। तो इनके नाम मेंशन है अलग अलग, तो आप जो भी चाहे इनको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम जो स्टाइल यूज़ करेंगे ये सिर्फ उस पर्पज़ के लिए कि आपने जो भी टेबल है उसको कितने अच्छे से तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि लाइक हमने थोड़ा सा अलग कलर कर लेते हैं, पर्पल ही ऑलरेडी पहले था, इस टाइप से कलर कर लिया, ब्लू है, ठीक है। इसमें जो है ये एक छोड़कर एक ऐसे बाउंडेड बोलते हैं, तो इसमें वन बाय वन ये शो करता है, ऐसे जैसे हॉरिजॉन्टली शो कर रहा है, वर्टिकुलरली में भी सेट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टाइल्स हैं, आप जो मर्जी इसमें चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट सम। देखिए सम, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन आपका और डिवीज़न, ये चार क्वेश्चन मैंने हमने अलग अलग दिए हुए हैं और ये हम आपको प्रीवियस वीडियो में सिखा चुके हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, काउंट, ये सारे भी अभी हम बताएंगे। क्वेश्चन एट पर आते हैं डायरेक्ट। डिक्रीज डेसिमल ऑन एवरेज, अगर एवरेज पे आपका डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, ये पॉइंट आपको कम करना है, ये पॉइंट के बाद एक वैल्यू दिखानी है या उसके बाद दो या तीन, जितना भी शो करना है। यहाँ ऑप्शन आपका होता है डिक्रीज करने का, ये देखिए, ठीक है, और ये इंक्रीज करने का। इसके अकॉर्डिंगली आप इसको और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। इस ये देखिए ऐसे डिक्रीज हो जाती है। तो जो भी आपको डिटेल्स चाहिए वो आपको इजीली मिल जाती है। आपको कुछ करने के लिए वर्क नहीं है कि क्या टेबल होने चाहिए, तो आप इन टेबल को एज ए सैम्पल लेकर इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अलग अलग हर जितनी भी वीडियोस होती है, हर किसी में टेबल मेंशन होती है, आप उनकी प्रैक्टिस करके अपनी जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन है कि हाउ मैनी रोज एंड कॉलम्स इन ए शीट, तो यहाँ पर ये आता है कि आप रोज़ तो चेक कर सकते हैं, कर्सर आप कहीं पर रखिए। और अब मैं इसमें आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ, आप टाइप करिए, आप जाइए कंट्रोल प्लस और जो ये एरो होता है ना, डाउन एरो, ठीक है, ये डाउन एरो जो आपका होगा कीबोर्ड में, जो चार एरो एक साथ होते हैं राइट वाले कंट्रोल के पास में, तो उन एरोस में से डाउन एरो यूज़ करेंगे। एक लेफ्ट एरो होता है राइट और बॉटम अप, तो उनका यूज़ करना बताएंगे। कर्सर कहीं भी रखिए, कंट्रोल के साथ आप डाउन एरो करिए। एक बार में नहीं आ रहा है तो दो बार में आएगा। और आपको बताना कितनी रोज होती है, 10,48,576, ठीक है, इतनी आपकी रोज होती है। और कॉलम्स कितने होते हैं, तो कॉलम्स के लिए हम चलते हैं इसके अंदर, आपको शो कर देगा ये कंट्रोल राइट एरो XFD, ठीक है, XFD इसका लास्ट कॉलम है। बट आपको कैसे पता चलेगा ये, तो
तो ये आप इसको नेट में सर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना आप गिनने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। 16,384 इसकी कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, या तो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, या कोई भी आपके कंपटीशन वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, तो उसमें आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि इतना हमें ज़रूरत पड़ती नहीं कि इतने कॉलम तक या इतने रोज तक हम उस डेटा को ले। हाँ, ये कब डिटेल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जब हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, लाखों की क्वांटिटी में हम डेटा इनपुट करा रहे हैं या कहीं से अदर फाइल से इंसर्ट कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये इस टेबल के वर्कशीट में, इस शीट के अंदर इतना ही सिर्फ आ सकता है, उससे एक्स्ट्रा नहीं। अगर ज़्यादा होगा तो उससे जितना भी हमारा यहाँ वहाँ से स्प्लिट हो रहा है, तो उससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट में इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंगली अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द, हाँ अभी ये देखिए नाम तो आ ही गया है, अभी आपको बता भी दिया था, कंट्रोल के साथ राइट एरो XFD इज द नेम ऑफ लास्ट कॉलम। ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं, ये देखिए ये वाला, ये आपका लास्ट वाला XFD, ठीक है, ये आपका लास्ट कॉलम है। तो आपको ये नाम, मतलब ये सिर्फ जस्ट बेसिक नॉलेज है कि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, बाकी फॉर्मेटिंग करनी है, स्टाइल करना है, ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। आप यहाँ जाके बेस कलर वगैरह अपने अकॉर्डिंगली इंडिविजुअली सेट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। और कोई भी सेटिंग करनी है, बोल्ड वगैरह करना है, अनबोल्ड करना है, ये सब वर्ड में आप सीख चुके हैं कि किस तरीके से होता है। वर्ड ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, एक्सेल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थोड़े से उसके फॉर्मूलेज होते हैं, वो थोड़ा समझना होता है। अगर वो आपको फॉर्मूले ईजिली समझ में आते हैं, तो आप कैसा भी फॉर्मूलेज किसी भी कंडीशन में घुमा के, कंडीशंस लगा के, नेस्टेड इफ वगैरह जो भी लगा कर, और बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, उनको ज्वाइन करके आपस में ब्रेक करके वर्क कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। तो यही हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उसी का ही पार्ट टू है, उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको पहले ही वीडियो मिल गई है तो आप उसको पहले देखिए और बाद में आप इसको देखिए कि ज़्यादा हेल्प मिलेगी, अदरवाइज आप इसको देख के उसको देखेंगे तो भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि उसमें सिर्फ फॉर्मूलेज बताए हैं और इसमें इसके क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम एक्सेल के ऊपर और भी वीडियोस डालते जाएंगे, आपको हेल्प लगती है और आपको अच्छा लगता है, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ठीक है, और जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।